तो जैसा कि ना मैंने आप सभी से कहा था कि जैसे ही ना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर डेट जारी होती है, जैसे ही इसके आवेदन भरने की यहाँ पर डेट जारी होती है, जैसे ही इसके आवेदन भरे जाएंगे या फिर ऐसा कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आता है या फिर ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो फाइनली रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर डेट जारी हो गई है, इस तारीख से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, इस तारीख से आवेदन होंगे। यह एकदम रियल अपडेट है, इस तारीख से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, इस तारीख से आवेदन लिए जाएंगे लाडली बहना योजना के। यह एकदम रियल अपडेट है और यदि आपको ऐसे ही 100% रियल अपडेट पाना है तो आपको ना हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ऐसी काफी सारी महिलाएं हैं जिनका लाडली बहना योजना में किसी भी कारण से उनका फॉर्म नहीं भरा गया, फिर जिनकी उम्र 23 वर्ष की नहीं थी या फिर 22 वर्ष की या फिर 21 वर्ष की उनकी उम्र थी या फिर उनके परिवार में ट्रैक्टर था या फिर किसी अन्य कारण से उनका फॉर्म लाडली बहना योजना में नहीं भर पाया। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका लाडली बहना योजना में फॉर्म नहीं भरा है, तो अब 21 वर्ष की शादीशुदा महिला भी लाडली बहना योजना में फॉर्म भर सकते हैं और यदि किसी महिला के घर में ट्रैक्टर है तो अब वो महिला भी यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। और इसकी ना डेट भी जारी हो गई है कि इस तारीख से लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन यदि आपने समग्र EKYC और अपने बैंक खाते से आधार लिंक और DBT लिंक नहीं करवाया तो आप अभी लिंक करवा लीजिए अपने बैंक खाते से DBT और आधार लिंक, और यदि समग्र EKYC नहीं करवाया तो आप समग्र EKYC भी आप करवा लीजिए। तो 25 जुलाई से ना मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के फॉर्म भरे जाएंगे, 25 जुलाई से आवेदन लिए जाएंगे लाडली बहना योजना के। तो यहाँ पर ना 25 तारीख से ना फिर से पंचायतों में यहाँ पर कैंप लगाए जाएंगे लाडली बहना योजना के, फिर से फॉर्म भरवाए जाएंगे जिनके फॉर्म नहीं भर पाए थे। यहाँ पर खुद ही मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर किया हुआ है। तो आप ना समग्र EKYC और बैंक खाते से आधार और DBT आप लिंक करवा लीजिए, क्योंकि 25 तारीख से यहाँ पर फॉर्म भरना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे 25 तारीख से। और यदि आपको यह अपडेट पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट, ऐसी वीडियोस हमारे इस चैनल में मिलती रहेंगी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से।